हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DSC के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड वाटर 2021 UDC रिज़ल्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो सबसे पहले UDC का रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा HWB। जैसे आप HWB टाइप करके सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ये आपके हेड वाटर बोर्ड का ऊपर सबसे ऊपर ये आएगा लोगो, और आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने पेज ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर पर इम्पोर्टेंट डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, पहले आप देख सकते थे यहाँ पे 16 या फिर 17 कॉलम ही आ रहे थे, यहाँ पे 18 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपर डिवीजन क्लर्क। हेड वाटर बोर्ड ने अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं ये PDF ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क टोटल पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 18, जिसमें से आपके जनरल की सीट थी 7, OBC EWS की 1, OBC की 5, ST की 4, सॉरी SC की 4, ST की 1। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर द स्टेज सेकेंड इज 368, एंड कैंडिडेट आर कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ 120 अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 18x20। रिजल्ट ऑफ स्टेज 1 एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 23/7/2021 स्टैंडर्ड पासिंग स्टैंडर्ड 50% एंड अबव फॉर द जनरल कैंडिडेट, इट मीन्स 150 मार्क एंड अबो। तो इस लिस्ट के अंदर जिनके भी 150 या 150 से ज़्यादा नंबर आए हैं, उन सभी को सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट किया गया है। और इसमें टोटल 18 पोस्ट थी, और इसमें 368 कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया गया है। आगे देखते हैं कि किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइस्ट नंबर हैं वो 276 हैं, जो कि चंदन उपाध्याय के हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद NS चंद्र, और ये सभी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जिनके भी 150 से अबोव नंबर आ रहे हैं, वो सब कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। और जबकि लास्ट कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके नंबर है 166। इट मीन्स जिनके भी 166 से ज़्यादा नंबर थे, उनको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया है। इसमें 368 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और सेकंड स्टेज के क्वालिफाई के लिए आपको 50% नंबर आने चाहिए थे। और जिनके 50% नंबर आए हैं, अब उनका स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड के अंदर आपके एग्ज़ाम में होगा क्या? स्टेज सेकंड के अंदर आपके इंग्लिश कंपेरिजन और जो भी आपका सिलेबस है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे की स्टेप आपके लिए क्या रहेगी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या रहा और कट ऑफ कितनी रही, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके सेकंड स्टेज का सिलेबस क्या रहेगा। जैसे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर सिलेबस पर जाता हूँ, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें चाहिए UDC। तो UDC के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, UDC अपर डिवीजन क्लर्क वैकेंसी, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपके स्टेज फर्स्ट हो चुका है। अब स्टेज सेकंड के अंदर जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्टेज सेकंड में 100 नंबर का फ्राइटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपके सब्जेक्टिव होगा ये।
और ये आपके इसमें टाइम रहेगा 2 आवर। इसके पार्ट वन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन एंड प्रीसियस एंड इंग्लिश ग्रामर 50%। पार्ट बी के अंदर डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंपेरिजन ऑफ एसे नथिंग एंड ड्राफ्टिंग 50%। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल वन एग्जामिनेशन शुड बी इन द रेशो ऑफ 120 फॉर एवरी सिंगल वैकेंसी। 20 कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द लेवल सेकेंड एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार आपकी सेकेंड एग्जाम के लिए 1:2, 1:20 के अंदर आपको बुलाया गया है। और अब इसके बाद आपका स्टेज सेकेंड होगा। स्टेज सेकेंड का सिलेबस ये रहा। और उसके बाद आपके स्टेज सेकेंड के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी यूडीसी ने अभी हाई वाटर बोर्ड ने अपना यूडीसी का पहला रिजल्ट अनाउंस किया है। उससे पहले उन्होंने प्लांट ऑपरेटर और जो मेंटेनर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट अनाउंस किया था। अब इसके अलावा अदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे जैसे कि हाई वाटर प्लांट ऑपरेटर सेकेंड स्टेज, मेंटेनर सेकेंड स्टेज, और जो आपके कैटेगरी फर्स्ट किए हुए थे उनका सेकेंड स्टेज, ड्राइवर फर्स्ट स्टेज, इन सभी के रिजल्ट अब अनाउंस होने वाले हैं। कम इस सप्ताह के अंदर आपके सभी रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे और जो आपके अगली एग्ज़ाम डेट होगी वो भी इसमें अनाउंस कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और आपको लगा कि आपको यहाँ से 1% भी आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।